हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अभी हाल में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हिटलर कहकर हमें फिर से अतीत की धारा में पीछे जाने के लिए विवश किया है। पूरी भारतीय राजनीति में जर्मनी का हिटलर फिर से चर्चा में है। आखिर कौन है ये हिटलर? नरेंद्र मोदी से उसका क्या रिश्ता है? मोदी जिस संघ परिवार में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, क्या उसकी विचारधारा से हिटलर जुड़ा हुआ है? ये सारे सवाल आज राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया द्वारा उछाले जा रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी और हिटलर में समानताएं समझने के लिए अतीत की धारा में लौटाना होगा, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रानो में, जहां 20 अप्रैल 1889 को हिटलर ने एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लिया। एक सैनिक के तौर पर हिटलर ने अपना जीवन शुरू किया, परंतु बड़ी तेजी के साथ परिस्थितियां बदलती गई और अपनी जालसाजी और कमीनेपन के चलते हिटलर जर्मनी का प्रधान नेता बन बैठा। इसी क्रम में हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल के अध्यक्ष डेर्क्सला को भी अपने रास्ते से हटा दिया। उसी प्रकार अगर अब मोदी को देखा जाए तो हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने भी हिटलर की ही तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा के संस्थापक सदस्यों को ही अपने रास्ते से हटा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता जो भाजपा के पीएम इन वेटिंग थे को भी नहीं बख्शा। इस क्रम में जसवंत सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी संघ परिवार के साथ मिलकर अपने रास्ते से हटा दिया। ये नेता आज अपनी सीटों से बेदखल होकर अपनी स्वयं की जीत हार में ही परेशान हैं। हिटलर ने अपने समय में जर्मनी के आर्थिक हालात का बड़ी चतुराई के साथ लाभ उठाया था। 1929 में आई महा आर्थिक मंदी ने जर्मनी की व्यवस्था को चौपट कर दिया था। उस समय जर्मनी की सड़कों पर बड़ी संख्या में बेरोजगार गले में तख्ती लटकाए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ दिखाई देने लगे थे। ठीक वैसे ही मोदी ने भी भारत की इकोनॉमी यानी की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा कर रख दी है। आज जब नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के पैसों से उड़न खटोले में उड़कर विकास का जुमला उछाल रहे हैं, तो अनायास ही हिटलर के साथ जर्मनी के पूंजीपतियों के संबंधों की यादें ताज़ा हो रही है। यहाँ जर्मनी के इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि प्रश्न हिटलर और जर्मनी के पूंजीपतियों के संबंधों अथवा मोदी और अंबानी के संबंधों का नहीं है, बल्कि इसका है कि इन संबंधों के चलते मनुष्यता को कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं। हिटलर ने कोयला खानों के मालिकों से पैसे वसूलने के लिए सर ट्रेजरी नाम से एक फंड भी बनाया था। फंड ने एक लंबी लिस्ट बताई जिसमें कॉटना ईजी फाकेन, वांस निजलर, अगस्त देहन जैसे उद्योगपति थे जो हिटलर को अपने स्वार्थों के लिए चंदा देते थे। ठीक उसी तरह आज भारत में खास करके गुजरात में मोदी ने अदानी को ₹1 प्रति वर्ग फुट से हिसाब से जमीनें दी हैं। इससे साफ जाहिर है कि अदानी और अंबानी मोदी को किस लिए पैसे दे रहे हैं, क्यों भारत के दो तिहाई पूंजीपति मोदी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हिटलर ने अपना प्रचार करवाने के लिए एक पोस्टर जारी किया था जिसमें सिर्फ हिटलर का एक फोटो था, यानी नाजीवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने हिटलर के समक्ष समर्पण कर दिया था। भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम हैं। जब एक व्यक्ति ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया हो, तभी तो आज हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा उछाला जा रहा है। भारत के इतिहास में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए शायद ही इतना उतावला या हड़बड़ी में रहा हो जितना मोदी रहा है। मोदी ने न सिर्फ पार्टी को हाईजैक किया और वरिष्ठ नेताओं को अपने रास्ते से हटाया, बल्कि यह सब करने के बावजूद अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाने के लिए देश के करदाताओं का पैसा पीआर एजेंसियों के ऊपर उड़ा दिया। मोदी अपनी छवि बनाने के लिए प्रतिदिन $25,000 खर्च करते हैं। सोशल साइटों फेसबुक, ट्विटर,
YouTube पर हजारों की संख्या में पेशेवर लोग बैठाए गए हैं जो मोदी के भाषणों और वीडियो को अपलोड करते हैं। उनकी रैलियों को लाइव कवर करने के लिए टीवी चैनलों को अपना ओवी वैन नहीं भेजना पड़ता। उनकी पीआर एजेंसी खुद लाइव कवरेज चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाती है। ये तरीका कोई नया नहीं है। जर्मनी में हिटलर भी ठीक इसी तरीके से अपना प्रचार करता था। उसने 4 लाख रेडियो सेट बांटे थे जिस पर उसका भाषण सुनना अनिवार्य था। आज मोदी जिस तरह से विकास विकास रट रहे हैं, वह एक पुराना हथियार है। अपने चुनाव प्रचार में हिटलर ने भी एक पोस्ट जारी करवाया था जिस पर लिखा हुआ था, आपकी फॉक्सवैगन। इसके जरिए यह एहसास करवाने की कोशिश की गई कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। आज भारत के 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा और मोदी अपने जुमलों से मध्य को कुछ ऐसे ही सपने दिखा रही है। भाषा का भ्रमजाल ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों पर लोग धूल डालने में सफल हो जाते हैं। यदि हम हिटलर के भाषणों को सुने तो पाएंगे कि उसने कुछ शब्द ईजाद किए थे जिसका वह बखूबी प्रयोग करता था। यहूदियों की हत्या और गैस चैम्बरों में दम घोटकर मारने वाली प्रक्रिया के लिए क्रमशः वह अंतिम समाधान और इवैक्यूएशन शब्द का प्रयोग करता था। आज मोदी भी अपने राजधर्म की असफलता और गुजरात दंगे को क्रिया की प्रतिक्रिया कहकर अपने खूनी दाग को छुपा लेते हैं। ठीक हिटलर की तरह वह भी अपने विरोधियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं, जैसा कि हिटलर ने नाजी पार्टी को मजबूत करने के लिए एसएस नाम का एक सशक्त सैनिक दल बनाया जो भूरी रंग की कमीज पहनते थे। यह मात्र संयोग नहीं माना जाना चाहिए कि मोदी जिस संगठन में खेल कूद कर बड़े हुए हैं उसका नाम भी एसएस है और उनकी ड्रेस भी भूरे रंग की है। इनका पहनावा भी नहीं लोगों से प्रेरित है। संघियों के लिए गीता मानी जाने वाली पुस्तक वी ओ आवर नेशन डिफाइंड में गोलवलकर ने राष्ट्र को परिभाषित भी हिटलर की तरह ही किया है। आज मोदी भी खुले मंचों से भारत को हिंदुओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने की गारंटी देते नजर आते हैं। असल में 2014 चुनावों में मोदी की अपार सफलता के पीछे यही कारण है कि मोदी ने धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीता और आज तक मोदी धर्म की ही आड़ लेकर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को बखूबी से बेवकूफ बनाता आ रहा है। और मजे की बात यह कि वे लोग भी बड़ी खुशी से मोदी के हाथों बेवकूफ बनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सिर्फ अनपढ़ और गंवार लोगों को अपना टारगेट बनाया, बल्कि इस देश के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मोदी की जाल में फंसे हुए हैं। 24 घंटे चलने वाले विज्ञापनों से मोदी इस देश की सो कॉल्ड पढ़े लिखे वर्ग का ब्रेन वॉश बड़े ही आराम से करता आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो मोदी को भारत का हिटलर ही माना जा सकता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी है जो मोदी को हिटलर से अलग करती हैं, जैसे कि मोदी एक बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है जो आज तक अपनी जिम्मेवारियों से भागता रहता है। इस मोदी में इतनी ताकत भी नहीं कि पाकिस्तान को उसके आतंकी हमलों का माकूल जवाब दे सके। हाँ, यह जरूर है कि मोदी इतना शातिर दिमाग है कि दूसरों के किए हुए कामों का क्रेडिट बखूबी ले लेता है। यही कारण है कि जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो मोदी ने उसका क्रेडिट खुद ले लिया, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पहले भी काफी हुई हैं। ठीक उसी तरह मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा शुरू और इम्प्लीमेंट की हुई कई योजनाओं को अपने नाम से जोड़ लिया और अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखाकर इस देश के बेवकूफ जनता की वाहवाही लूटी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।